74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दावेदारी नरसिंह यादव के साथ फंसने के बाद दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार के ओलंपिक की राह लगभग मुश्किल हो चुकी है। हालांकि सुशील कुमार ने फेडरेशन को चिट्ठी लिखकर इसके लिए एक सिलेक्शन ट्रायल कराने की मांग की है। 2016 रियो ओलंपिक के रेसलिंग मुकाबलों की 74 किलोग्राम कैटेगरी में भारतीय दावेदारी कौन पेश करेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इसे लेकर स्टार रेसलर सुशील कुमार और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतकर भारत के लिए कोटा पक्का करने वाले नरसिंह यादव के बीच होड़ है। सुशील कुमार ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को खत लिखकर ट्रायल मैच कराने की गुजारिश की है। एक मौका तो मिलना चाहिए मेरे को कि हाँ भाई मैं दिखा सकूं कि हाँ मैं फिट हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। जिस तरह अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने मेडल लेके रियो के लिए क्वालिफाई किया था, तो जो भी रेसलर क्वालिफाई करता है वही ओलंपिक्स खेलता है, तो मैं क्वालिफाई किया और मैं ही ओलंपिक खेलूंगा। हालांकि रेसलिंग फेडरेशन ने संभावितों की लिस्ट में नरसिंह यादव का नाम भेजा है। कुश्ती संघ के सामने जब ये विषय आएगा तो इस पर देश हित में जो अच्छा होगा वो फैसला भारतीय कुश्ती संघ लेगा। सुशील कुमार अब तक 66 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की दावेदारी पेश करते आए हैं। इसी कैटेगरी में उन्होंने दो ओलंपिक मेडल भी भारत को जिताए। हालांकि ओलंपिक से 66 किलोग्राम कैटेगरी हटाए जाने के बाद वो 74 किलोग्राम कैटेगरी में शामिल हुए। वहीं नरसिंह यादव लगातार इसी कैटेगरी में हिस्सा लेते रहे हैं। नरसिंह यादव ने 2015 में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इस वेट कैटेगरी में भारत को ओलंपिक का कोटा दिलाया था। शशांक मनोहर को एन श्रीनिवासन की जगह आईसीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सर्वसम्मति से आईसीसी के चेयरमैन चुने गए शशांक मनोहर इस पद पर अगले दो साल तक रहेंगे। शशांक मनोहर को आईसीसी का नया चेयरमैन निर्विरोध चुन लिया गया है। इससे पहले वो एडहॉक चेयरमैन थे। उन्हें पिछले साल एन श्रीनिवासन के पद से हटने के बाद चेयरमैन बनाया गया था। आईसीसी के नियमों में बदलाव करते हुए इसी साल एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू किया गया है। इसी वजह से मनोहर ने दो दिन पहले बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। शशांक मनोहर आईसीसी के पहले इंडिपेंडेंट चेयरमैन हैं।